ओके, लास्ट टाइम हमने ये थिन क्लाइंट किया था, याद है? थिन जी सर, क्लाइंट, तो थिन क्लाइंट का मैं दोबारा बताया था, थोड़ा सा रन थ्रू देना था। दोबारा क्या क्या जी क्या बोला तुमने? हाँ मैं बोला सर, थोड़ा सा समझा दें फिर से। हाँ ठीक। असल में होता यह है कि हमारा जो लैन का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर या तो पीयर टू पीयर रखते हैं या फिर क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, तो ये रिलेट करें क्लाइंट सर्वर। अब क्लाइंट सर्वर का मतलब ये होगा कि नॉर्मल क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, जो अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ये होता है कि आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसको आप सर्वर समझ लें, ठीक है, इससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ठीक है, ये क्लाइंट। इसमें क्या होता है कि सर्वर जो है पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा है। अगर हम थिन क्लाइंट का मतलब ये होता है, अगर हम स्टोरेज और प्रोसेसिंग सर्वर पे रख दें, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थिन क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट के पास नो स्टोरेज, नो प्रोसेसिंग, समझ रही बात? नो स्टोरेज, जी नो प्रोसेसिंग, इस तरह के सेटअप को कहते हैं थिन क्लाइंट। अब जैसे लिखा हुआ है, थिन क्लाइंट और लीन क्लाइंट इज अ वर्चुअल डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल दैट रन ऑन द रिसोर्सेज स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल सर्वर। अब सारे रिसोर्सेज कहाँ हैं? सर्वर के पास, इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर सोर्स। अब ये जो गूगल ड्राइव, ऑनलाइन ड्राइव का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक तरह से सिम क्लाइंट का ही कॉन्सेप्ट है, कि आपकी साइट पे स्टोरेज और प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, सारी स्टोरेज और प्रोसेसिंग क्लाउड सर्वर पे होती है, ठीक है। अब आपको देखे ना, क्लाउड सर्वर जो है वो आपको स्टोरेज भी दे रहा है और कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी दे रहा है, मतलब प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी दे रहा है। नॉर्मली थिन क्लाइंट टेक द फॉर्म ऑफ लो कॉस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस दैट हैवीली रिलाय ऑन अ सर्वर फॉर कंप्यूटिंग। तो जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, जितनी भी स्टोरेज होगी, वो सर्वर, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं थिन क्लाइंट। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक जी सर, है, यानी अगर प्रोसेसिंग और स्टोरेज सर्वर साइड पे हो रही है तो दिस इज कॉल्ड थिन क्लाइंट, और इसको अपोजिट कर लो कि प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्लाइंट साइड पे हो रही है तो वो होता है थिक क्लाइंट। तो आगे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। बहरहाल ये थिन क्लाइंट की उन्होंने दी भी कि आपका ये बेसिकली फाइल एंड प्रिंट सर्वर है, ठीक है, फाइल एंड प्रिंट सर्वर पे ही लॉग इन रिक्वेस्ट जा रही है। अब आप देखें क्लाइंट साइड पे कोई प्रोसेसिंग नहीं, आपको यहाँ सीपीयू नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये भी इसको अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है। यूजर फाइल देखें, यूजर फाइल ये यानी डेटा स्टोर भी कर रहा है, फाइल को एक्सेस भी कर रहा है, डेटा फॉर प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये आगे इसको इसने फॉरवर्ड कर दी प्रिंटर को। तो सारे काम सर्वर साइड की तरफ है एक तरह से। अगर आप देखें ना, ये जो क्लाउड स्टोरेज है और क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यही है, जब आपके पास स्टोरेज और कंप्यूटिंग एक्टिविटी होने की जरूरत, यानी रिसोर्सेज का होना जरूरी नहीं है, सब कुछ आपको सर्वर प्रोवाइड करेगा। थिक क्लाइंट इसका अपोजिट है, जैसे आपको मैंने बताया कि स्टोरेज और कंप्यूटेशन वो अगर क्लाइंट साइड पे हो रही है दैट इज कॉल्ड थिक क्लाइंट, यानी क्लाइंट के पास अपना सीपीयू और सर्वर हो। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये थिक क्लाइंट है, यहाँ पे स्टोरेज हो रही है, बीच में एप्लीकेशन सर्वर है और वो फर्दर कनेक्ट है डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास लोकल स्टोरेज भी है और प्रोसेसिंग भी है, यानी ये जो क्लाइंट है डज नॉट रिलाय ऑन सर्वर, डज नॉट रिलाय ऑन सर्वर, ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं थिक क्लाइंट। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर, अब यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दी हुई, जरा ही पढ़ लो, प्रॉस एंड कॉन दिए हुए थिंक क्लाइंट के और थिन क्लाइंट, ये जरा गौर करो।
हाँ भी पढ़ लिया आपने? सर एक मिनट, बोला थिन रहता है, थिन का नेगेटिव रहता है, डिसएडवांटेज रहता है। ठीक है, मैं पहनना नहीं है वो, सुझा लो ये मेरे को। हाँ पढ़ लिया सर। ठीक है, कोई पॉइंट जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, मतलब इसके प्रॉस और कॉन्स समझ में आ गया आपको? समझ आ गया सर ये जी। फर्दर नहीं सर है, ये फर्दर नहीं है। ट्राउजर है मैं नहीं अभी तो है था, अभी चटनी से अभी तो ना ये बच्चे हो गया सर। सारे पॉइंट क्लियर है? जी सर। अब एक नया टॉपिक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। ये मैं पहले आपको समझा देता हूँ, एक सेकेंड में। नेटवर्क के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है? इसको हम लैन टोपोलॉजी भी कहते हैं। मेन इसका नाम होता है लैन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी टोपोलॉजी का मतलब होता है लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। How devices will be connected? With each other. ठीक है, How devices will be connected with each other? जो अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर है ना, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो ये बेसिकली जो सबसे बेसिक टोपोलॉजी है ना, वो बस टोपोलॉजी। तो ये तीन टोपोलॉजी हमने पढ़नी है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, एंड रिंग टोपोलॉजी। तो थ्री बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप अपने कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट करें। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट टोपोलॉजी जो है वो बस टोपोलॉजी।
ये ऑब्सोलीट होगी, लेकिन फिर भी ये आपके सिलेबस का तो पार्ट है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज मेंट बाय मस्ट नो। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट लिंक्स नोड्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, यानी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किया। फर्दर डेफिनेशन, इट इज टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क एंड मे बी डिपेक्टेड फिजिकली और लॉजिकली। फिजिकली भी होता है और लॉजिकली भी हो सकता है। तो इन कम्युनिकेशन नेटवर्क अ टोपोलॉजी इज अ यूजुअली स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग इट्स नोड एंड कनेक्शन। ये दो तरह की होती है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी इज द एक्चुअल जियोमेट्रिक लेआउट ऑफ वर्क स्टेशन। तो ये वही बात कर रहा है जो मैंने पीछे डिस्क्राइब किया। इसकी डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह की। तो हम जो डिस्कस करेंगे, एक तो बस, ये बस है। बस में क्या होता है, देर इज सिंगल वायर, देर इज अ सिंगल वायर थ्रू विच ऑल कंप्यूटर, सिग्नल हाँ थ्रू विच ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर। फिर ये स्टार है, स्टार में क्या होता है, देर इज अ स्विच, एक स्विच होता है, ये हब होता है जिसके थ्रू ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट। इसमें मल्टीपल वायर्स होते हैं, ये भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ये एक रिंग होती है, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग में क्या होता है, ये फर्स्ट कंप्यूटर, अगर इसको फर्स्ट कह लें, 1 2 3 4 5 6, तो ये सिक्स जो है, यानी फर्स्ट वन जो है वो लास्ट वन से कनेक्ट हो जाए, तो हम इसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी भी होती है, मैश टोपोलॉजी में मल्टीपल पाथ होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो बस, स्टार और रिंग। तो आप कह सकते हैं क्रॉस लिंक और आरजीबी इसकी जरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, फिर मैं उसको समझाता हूँ। मैं सर बोलो, ये जो सारी टोपोलॉजी सारी याद करनी होंगी सभी डेफिनेशंस। मैं अंडरस्टैंडिंग हो आपको डेवलप हो, ठीक, वो पेपर जब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन पेपर से आइडिया होगा, लेकिन बस आपको आइडिया होना चाहिए, लॉजिकली कॉन्सेप्ट जरा नाम भी होना चाहिए कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी मेन डिफरेंस क्या है। देखो अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं, वेरी सिंपल, बस टोपोलॉजी में सिंगल वायर होती है, क्या होती है, सिंगल वायर सिंगल जिससे वायर, सारी चीजें कनेक्ट यानी होती सारे कंप्यूटर एक ही वायर से कनेक्ट। अच्छा, अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कंप्यूटर की वायर अपनी अपनी होती है, लेकिन ये आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू सेंट्रल डिवाइस। एक सेकेंड हो गया, मामू गाड़ी की चाबी किधर रखी है, किधर अब्बा, मांगू छोड़ने जाना है आपको। हाँ भाई, तो बस के अंदर आपने की पॉइंट याद रखने के, देर इज अ सिंगल वायर टू कनेक्ट ईच कंप्यूटर। स्टार में आपने याद रखना है, देर इज अ सेंट्रल डिवाइस, ये क्या है, सेंट्रल डिवाइस, ये आपने डिवाइस थ्रू विच ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड विद इट। रिंग में ये लॉजिकल रिंग होता है,
रिंग, ना मतलब फर्स्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद लास्ट कंप्यूटर, इट मेक्स अ रिंग। ठीक है, को ये आगे फर्दर डिटेल आएगी, इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात सामने आ गई आपको, बस टेक्नोलॉजी जी सर। ये इसमें फर्दर डिटेल दी हुई, इसका थोड़ा सा वो दिया हुआ है। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम अ नोड, नोड कहते हैं कंप्यूटर, ट्रेवल अलोंग द बैकबोन, बैकबोन का मतलब है वो जो सेंट्रल केबल है ना, एक ही केबल, अंटिल इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। इसके कहने का मतलब यह है कि ये जो कंप्यूटर है, अब ये डेटा सेंड कर रहा है, ये डेटा इस केबल पे उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक कि ये वाला कंप्यूटर या जिसको भेजा गया है वो डेटा रिसीव ना करे। सही है, जब आप कंप्यूटर से डेटा जी सेंड करते हैं तो किसी ना किसी को भेजा है आपने डेटा, जब तक वो जी रिसीव नहीं कर लेता इस केबल पे डेटा मूव करता रहे, पहले पॉइंट का मतलब ये है। ठीक है, फिर जी लिखा है कि ईच एंड ऑफ बस नेटवर्क मस्ट बी टर्मिनेटेड विद अ रजिस्टर टू कीप द सिग्नल दैट इज सेंड बाय नोड अक्रॉस द नेटवर्क फ्रॉम बाउंसिंग बैक व्हेन इट रीचेस द एंड ऑफ द केबल। ओके, फिर वापस चलते हैं। जब ये कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा तो ये कह रहे हैं कि केबल के एंड पे, फर्ज करो ये टर्मिनेटर का काम कर रहा है, यानी सिग्नल को वापस भेजेगा, ये वापस इधर आना शुरू हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बाउंस बैक करता रहेगा, सिग्नल ऐसे मूव करता रहेगा। तो किसी ना किसी कंप्यूटर को, अगर कंप्यूटर नहीं है तो हम कोई रजिस्टर लगाते हैं, टर्मिनल लगाते हैं, इसकी बेस पे ये करंट बाउंस बैक करता रहेगा, मूव यानी मूव फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड करता रहेगा, उस वक्त तक करता रहेगा जब तक कि, यानी यहाँ पैकेट कभी आगे जा रहा है कभी वापस आ रहा है, जब तक कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर उसको पिक नहीं कर देता। समझ आई बात? अब आप जी पहली सर। दो लाइनें पढ़ लें ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहला ये पॉइंट पढ़ो, फिर उसके बाद ये पढ़ो। जी सर। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? जी अच्छा, अब तीसरा पॉइंट ये है, अब ये कह रहे हैं इन ए बस नेटवर्क एवरी स्टेशन रिसीव ऑल नेटवर्क ट्रैफिक। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अब क्या होता है कि इस कंप्यूटर ने डेटा भेजा, तो ये जो डेटा ने इसके पास भी जाएगा, 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 लेकिन कॉपी वही करेगा जिसका एड्रेस मैच करे। ठीक है, इस एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रॉडकास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रॉडकास्ट, इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो यानी एक जी कंप्यूटर जब डेटा सेंड करता है ना, वो हर एक डिवाइस के पास जाएगा, हर डिवाइस को चेक करेगी ये मेरा डेटा तो नहीं है, अगर उसका डेटा है एड्रेस से मैच होगा ना, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होता है, तो अगर उसका एड्रेस मैच हो जाता है तो वो कॉपी कर देगा। इस थर्ड पॉइंट का ये मतलब। फिर फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, बस नेटवर्क फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट, क्योंकि एक ही वायर होती है, एंड कोलिजन डोमेन। अब कोलिजन का मतलब होता है कि जब एक, अब चूंकि सिंगल वायर है, यू कह लो कि सिंगल पाथ है, तो अगर सेकंड कंप्यूटर, अगर फर्स्ट कंप्यूटर डेटा सेंड किया एक, या एक कंप्यूटर ने डेटा सेंड किया सेम टाइम पे दूसरे कंप्यूटर डेटा सेंड कर दिया, इससे क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन की वजह से क्या होगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। इन ऑर्डर फॉर नोड टू ट्रांसमिट ऑन द सेम बस साइमल्टेनियसली दे यूज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी सच एज कैरियर एंड मल्टीपल एक्सेस। अब इनको एक, अच्छा, हर कंप्यूटर के अंदर ना एक नेटवर्क कार्ड होता है जिसको लैन कार्ड कहते हैं, जो केबल से कनेक्ट होता है, तो वो उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है सी एस एम ए सी डी, यहाँ पे सिर्फ सी एस एम ए लिखा हुआ, सी डी भी होता है। कैरियर कहते हैं केबल को, यानी नेटवर्क पाथ को, हर कंप्यूटर सेंस करेगा, ठीक है, कि नेटवर्क पाथ अवेलेबल है या नहीं, और सीडी का मतलब होता है कोलिजन डिटेक्शन, सीडी का मतलब होता है कोलिजन डिटेक्शन। तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है हर कंप्यूटर में। इफ एनी लिंक और सेगमेंट ऑफ द बस इज डिसएंगेज्ड, ऑल नेटवर्क ट्रांसमिशन सीज ड्यू टू सिग्नल बाउंस
कॉज बाय द लैक ऑफ फेरोमैग्नेटिक रेजिस्टर। अब इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम वापस चलते हैं डायग्राम पे, अगर ये वाला इसका लिंक लूज हो गया तो आपका डेटा यहाँ ट्रैवल नहीं करेगा, किसी भी कंप्यूटर का डेटा ट्रैवल नहीं करेगा कोई भी लिंक, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्ट है। किसी कनेक्टर के थ्रू अगर कनेक्टर कहीं से लूज हो जाता है तो फिर पूरे नेटवर्क पे डेटा ट्रैवल नहीं करेगा। तो बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वी हैव टू फाइंड द इशू कि डेटा ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा, ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहा है, फर्ज करें इसका लिंक लूज हो गया या इसका लिंक लूज हो गया, कनेक्शन लूज हो गया, यानी कनेक्टर के थ्रू ये केबल से कनेक्ट होते हैं तो कनेक्टर लूज हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डेटा मूव नहीं करेगा, एक तरह से नेटवर्क काम नहीं कर रहा। आपको ये आइडेंटिफाई करना था वेयर इज एरर, ठीक है। ये देखो जी आज सर, ये डायग्राम बनेगा। अब जब आप एक ये कंप्यूटर डेटा सेंड करते हैं ना, तो पूरे नेटवर्क पे ये डेटा ट्रैवल करता रहेगा, बाउंस बैक करता रहेगा, और ये टर्मिनेटर लगेगा, ये बाउंस बैक करते हैं सिग्नल पर वापस, यानी करंट इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, करंट इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा। उस वक्त तक डेटा मूव करता रहेगा जब तक डेस्टिनेशन पीसी या कंप्यूटर डेटा रिसीव नहीं करे, और ये डेटा हर पीसी चेक करे, ठीक है। ये पर्टिकुलर पीसी के पास नहीं जाएगा, खुद से नहीं जाएगा। तो डेटा, ये जो बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान यही है, एक तो स्लो है और डेटा कोलिजन सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अगर इस कंप्यूटर ने डेटा सेंड किया और सेम टाइम पे इसने भी सेंड कर दिया तो यहाँ कोलिजन हो जाएगा, यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा, नेटवर्क जाम हो। इसलिए इस सेटअप में हर कंप्यूटर डेटा सेंड करने से पहले सेंस करेगा कि नेटवर्क पाथ, जो कि सिंगल नेटवर्क पाथ है ये वाला, ये अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, ये टेक्नोलॉजी हर पीसी में अवेलेबल होती है। इसको कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, CSMA/TD। CSMA इज एन अर्ली मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस किसका होता है, लैन कार्ड का एड्रेस, यानी ये फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी कंप्यूटर का। बेस ईथरनेट प्रोटोकॉल टू वेरीफाई दैट नो अदर नोड इज ट्रांसमिटिंग बिफोर सेंडिंग डेटा अलॉन्ग अर्ली कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क। तो शुरू के जो नेटवर्क थे वो हाफ डुप्लेक्स थे। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि अगर एक पीसी डेटा सेंड कर रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ता है वेट सेंड करने के लिए। जैसे वॉकी टॉकी सुना है आपने, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी देखी होगी आपने, जी सर, उसमें क्या होता है, एट अ टाइम एक ही पर्सन बात करता है, तो जब तक जो जी बंदा बोल रहा है वो ओवर नहीं कहता, रिसीवर जो है वो डेटा सेंड नहीं कर सकता, है ना। उसी को सर, कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो शुरू में जो बस नेटवर्क था वो हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क था, इट वॉज लेटर मॉडिफाइड टू इंक्लूड कोलिजन डिटेक्शन। क्योंकि एट ए टाइम दो पीसी डेटा सेंड कर देते तो नेटवर्क जाम हो जाता था, तो बाकी कंप्यूटर को पता नहीं लगता था कि नेटवर्क जाम हो गया। तो उसको कोलिजन डिटेक्शन की टेक्निक है। लेटर ऑन कोलिजन डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया गया, जिसमें हर कंप्यूटर ये सेंस कर सकता है कि अगर नेटवर्क जाम हो चुका है तो अदर कंप्यूटर डेटा सेंड ना करें। टू टर्मिनेट द ट्रांसमिशन इफ अ कोलिजन डिटेक्ट, द नोड सेंसेस टू सी इफ डेटा इज बीइंग ट्रांसमिट। तो हर नोड या हर कंप्यूटर सेंस करेगा बिफोर सेंडिंग डेटा, इफ नो सिग्नल इज डिटेक्टेड फिर सेंड डेटा। तो अगर उनको सेंस हो जाता है कोई भी सिग्नल मूव नहीं कर रहा है नेटवर्क पाथ पे, तो अपना डेटा सेंड कर देंगे। इफ इट सेंस द सिग्नल इट वॉ इट वेट अंटिल द डेटा हैज फिनिश बींग सेंड। तो अगर उनको ये सेंस हो जाता है कि देर इज अ डेटा ऑन नेटवर्क तो वो अपना वेट करेंगे। इफ अ कोलिजन इज डिटेक्टेड द नोड स्टॉप सेंडिंग। अच्छा, सम टाइम होता है कोलिजन भी हो जाता है, तो जो बाकी नोड्स होती हैं या बाकी कंप्यूटर होते हैं वो डेटा सेंड नहीं करेंगे। सेंड आउट अ जैमिंग सिग्नल टू नोटिफाई दैट अ कोलिजन हैज अकर्ड, और बाकी कंप्यूटर बता दिया जाएगा कि देर इज अ नेटवर्क जाम। द नोड देन वेट अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रांसमिट अगेन। अब वो एक नोड जो है वेट, नोड कहते हैं कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, वो वेट करेगा जब उसको नेटवर्क पाथ फ्री मिलेगा। ऑन मॉडर्न ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल नेटवर्क, अब फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज पॉसिबल एंड सो CSMA/CD इज लेस ऑफ एन इशू। अब जो नेटवर्क केबल आ रही है, मॉडर्न केबल आ रही है, उसके अंदर फुल डुप्लेक्स का ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब है कि सेंड करने के लिए वायर अलग है और रिसीव करने की वायर अलग हो, इसलिए उसके अंदर फुल डुप्लेक्स का ऑप्शन होगा। ये पॉइंट क्लियर।
जी इसको सर, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, गो थ्रू करना है हमें। आगे मूव करो, जी सर पढ़ आगे मूव करो या पढ़ेंगे आप? लेता हाँ इसको जस्ट फिर क्विकली गो, पढ़ूंगा हाँ क्विकली गो थ्रू करो। जी सर पढ़ लिया ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी। इसी CSMA/CD के साथ इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं अडॉप्ट करवाई है, इवेंट ईयर CA कोलिजन अवॉइडेंस। अब जो है ना इसको अवॉइड किया जा सकता है। दिस इज द कोलिजन प्रोटोकॉल यूज ऑन वायरलेस नेटवर्क। अब वायरलेस नेटवर्क में अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि वहाँ मल्टीपल पाथ होते हैं। हेयर आर नोड लिसन फॉर ट्रांसमिशन बिफोर सेंडिंग डेटा। When all the data has been received, the receiving node sends an acknowledgement that the data has been received. If the sender doesn't receive the acknowledgement, the sender starts the process all over again. The receiving computer जो है जब data receive कर लेता है तो वो एक acknowledgement भेजा गया, I have received the data. लेकिन अगर sender को acknowledgement नहीं मिलती तो वो दोबारा send करना शुरू कर देता है। ठीक है, this is the collision avoidance technique. अच्छा, ये बेसिकली नेटवर्क पाथ के अंदर जो केबल यूज होती है ये यहाँ पे शो की गई होल्डर, या तो कोएक्सियल केबल होती थी, कोएक्सियल केबल अब यूज़ नहीं होती, सिर्फ टीवी ट्रांसमिशन में यूज़ होती है, अब यूज़ होती है ट्विस्टेड पेयर। होल्डर कोएक्सियल केबल कुड ओनली सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, हाफ कॉम्प्लेक्स सो वर्क प्रोन टू कोलिजन। इसीलिए कोलिजन आता था कि जो पहले जो होल्डर कोएक्सियल केबल थी ना उसके अंदर सिंगल पाथ था और उसी वजह से कोलिजन इनकर्ट होता है। मॉडर्न ट्विस्टेड पेयर इथरनेट केबल कैन सेंड डेटा इन फोर डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मल्टीप्लेक्स सो आर नॉट एज ससेप्टेबल टू कोलिजन। अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल आ रही है उसके अंदर कोलिजन का ऑप्शन खत्म हो चुका है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वायर होती हैं तो सेंडिंग वायर अलग होती है, रिसीविंग वायर अलग होती है, इसलिए अब कोलिजन नहीं होता। पहले सिर्फ सिंगल वायर होती थी इसलिए कोलिजन ज़्यादा होती थी, अब सिंगल वायर नहीं होती, अब इसके अंदर मल्टीपल वायर होती है, इसीलिए इसका नाम ट्विस्टेड पेयर रखा हुआ है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ना फोर पेयर वायर यूज होती है, फोर पेयर का मतलब है 8 वायर, ठीक है ना, टू पेयर का, टू वायर का एक पेयर होता है। ये पॉइंट क्लियर? जी सर। अब ये स्टार टोपोलॉजी की डिस्क्रिप्शन आ गई जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई थी। ये स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि देर इज अ सेंट्रल डिवाइस, यानी ये एक स्विच है, इसको हम हब भी कहते हैं, ये स्विच है। इसके साथ
बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो, इस तरह का सेटअप होता है। पहला ये डायग्राम होगी, आइए इसको देखो, ये एक सेंट्रल डिवाइस, पहले ये हब होता था, अब इसको हम स्विच कह रहे हैं। ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड विद विद द सेंट्रल डिवाइस, ये स्टार्टअप होता है। इसमें भी देखो, ये सेंट्रल हब है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये प्रिंटर है। ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू सेंट्रल डिवाइस। गॉट द पॉइंट? जी सर, इस तरह की अरेंजमेंट को कहते हैं स्टार्टअप और ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई। पहले लिखा हुआ है अल्टरनेटिवली रेफर टू एज अ स्टार नेटवर्क और स्टार्टअप ओनली इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क। आजकल सबसे ज्यादा यही यूज होता है, हर जगह आपको यही मिलेगा, आपके स्कूल में ये मिलेगा, अगर गेम जोन में जाते हैं वहां पे ये मिलेगा, हर जगह आपको यही मिलेगा। इन दिस अरेंजमेंट एवरी नोड, नोड कहते हैं कंप्यूटर, कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब या स्विच और कंप्यूटर, द हब एक्टिंग एज अ सर्वर एंड द पेरिफेरल डिवाइस एज क्लाइंट। अच्छा, ऑल द डेटा ऑन द स्टार्टअप ओनली पास थ्रू द सेंट्रल डिवाइस, यानी जो भी डेटा पास होगा ना वो सेंट्रल डिवाइस से होकर दूसरे कंप्यूटर तक जाएगा बिफोर रीचिंग द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। हब एक्ट एज ए जंक्शन, हब एक्ट एज ए जंक्शन टू कनेक्ट डिफरेंट नोड प्रेजेंट इन स्टार नेटवर्क एंड एट द सेम टाइम इट मैनेज एंड कंट्रोल होल ऑफ द नेट। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है नेटवर्क मैनेजमेंट बहुत ईजी होगी, क्योंकि थ्रू अब चूंकि इंटेलिजेंट स्विच आ गए हैं, अब आपके घरों में भी तो देखें यही लगे हुए ना, जो वाईफाई डिवाइसेस, वो भी एक तरह से स्टार टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल है। जबकि वायरलेस है तो वायरलेस, या आपके आपके घर में कितने भी डिवाइसेस हैं वो सब कनेक्टेड स्विच, नेटवर्क स्विच के साथ, टीपी लिंक स्विच के साथ, ऐसे ही है ना। अगर आप उसको बंद कर जी देंगे तो कोई भी नेट इंटरनेट नहीं चला पाएगा। तो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू सारे कनेक्टेड, तो जब भी सेंट्रल डिवाइस के साथ डिवाइसेस कनेक्ट होगी हम उसको कहेंगे स्टार टेक्नोलॉजी। अभी कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन विच सेंट्रल डिवाइस यूज, हब कैन एक्ट एज ए रिपीटर और सिग्नल बूस्टर। अच्छा, इसमें जो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है ना, इसकी एक लिमिट है, 100 मीटर के बाद सिग्नल वीक हो जाता है, तो इसीलिए एवरी 100 मीटर के बाद हब या स्विच लगे होते हैं, ये सिग्नल को बूस्ट कर देते हैं। सेंट्रल डिवाइस कैन आल्सो कम्युनिकेट विद अदर हब्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, यानी एक हब को दूसरे हब के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो केबल यूज करते हैं वो होती है यूटीपी, इट इज यूज टू कनेक्ट वर्क स्टेशन टू सेंट्रल। तो ये यहाँ पे आपको जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू वायर कनेक्ट, अब तो वायरलेस का जमाना आ गया, ठीक है, लेकिन अभी भी हम वायर की बात कर रहे हैं, तो ये जो वायर है ना, ये ट्विस्टेड यूटीपी केबल होती है, इसको हम कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो नॉर्थ, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत सस्ती होती है, ये जितने भी केबल्स हैं एक कंप्यूटर से स्विच तक, इसको हम कहते हैं यूटीपी केबल, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, जी सर, अच्छा, ये है रिंग। ये जो रिंग होता है ना, ये लॉजिकल होता है, रिंग जो होता है ना लॉजिकल होता है, ये फिजिकल रिंग नहीं होता। अब रिंग में क्या होता है कि लास्ट फर्स्ट पीसी कनेक्ट विद द लास्ट, तो रिंग ऐसे बनता है, तो फर्स्ट पीसी को लास्ट पीसी से कनेक्ट कर दो तो रिंग बन जाता है। अब ये देखो रिंग, ये लॉजिकल रिंग बना हुआ है, ये विद इन द नेटवर्क स्विच होता है। जैसे ऊपर वाली डायग्राम देखो, ये एक स्विच है, ठीक है, इसमें ऑल कंप्यूटर कनेक्ट है विद ईच अदर, और रिंग यानी डेटा जो है ना एक डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है कि जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना है ना उसके पास टोकन होना चाहिए, अगर उस कंप्यूटर टोकन है तो वो डेटा सेंड करेगा, अगर उस पर टोकन नहीं है तो वो डेटा सेंड नहीं करेगा। तो ये क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर एक टोकन जनरेट किया जाता है, जिस पीसी ने भी डेटा सेंड करना है सबसे पहले वो टोकन को एक्सेस करेगा, उसके बाद डेटा सेंड करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो जी सर, ये रिंग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर मस्ट हैव अ टोकन बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा। की डिटेल में जाता हूँ, सर कितना बाकी चैप्टर? ये अभी तो चैप्टर काफी है, तो अभी तो ये टोपोलॉजी का चैप्टर काफी खत्म हो रहा है अभी ये, कितना मतलब बाकी सर टोपोलॉजी वाला? ये टोपोलॉजी वाला कितना बाकी है? बस ये आज खत्म, टोपोलॉजी वाला खत्म, जी खत्म। तो
ये हाइब्रिड है, उसके बाद खत्म, बैच भी है यहाँ से, क्लाउड स्टोरेज के लिए। तभी हम रिंग पे एंड कर देते हैं ना, ठीक ठीक है, है। ठीक है। अच्छा ये डिस्क्रिप्शन दी हुई ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, इसमें लिखा हुआ इन रिंग टोपोलॉजी ऑल नोड आर कनेक्टेड टू अदर, क्योंकि इसमें पूरा रिंग बनता है। ऑल नोड कनेक्टेड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट दे मेक अ क्लोज लूप, ईच वर्क स्टेशन इज कनेक्टेड टू टू अदर कंपोनेंट ऑन आदर साइड एंड इट कम्युनिकेट विद दीज टू एडजेसेंट नेबर। मतलब हर कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट होता है, फर्स्ट वन लास्ट वन से कनेक्ट है तो लूप बन जाता है। डेटा ट्रैवल अराउंड द नेटवर्क, जैसे वो बना होता है ना सर, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ट्रैवल इन वन डायरेक्शन। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ टोकन। अगर आपने डेटा सेंड करना है देन यू मस्ट हैव अ टोकन, विदाउट टोकन कंप्यूटर डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे ना एक मास्टर कंप्यूटर होता है जो टोकन जनरेट करता है, वो टोकन मूव करता रहता है पूरे नेटवर्क में। अब जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना है ना, पहले वो टोकन को एक्सेस करेगा, फिर उसके बाद राइट आ जाएगा कि वो डेटा सेंड कर सके। अब जैसे टोकन पासिंग ये दिया ठीक हुआ है, टोकन कंटेन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच अलॉन्ग द डेटा इज सेंड बाय द सोर्स कंप्यूटर। दिस टोकन देन पासिस टू नेक्स्ट नोड, क्योंकि हर कंप्यूटर से होता हुआ जाएगा, विच चेक्स इफ द सिग्नल इज इंटेंडेड। इसका मतलब है कि जिसने डेटा सेंड किया है उसका टोकन हर पीसी चेक करेगा कि ये डेटा उसका तो नहीं है, अगर उसका डेटा होगा तो वो कॉपी कर लेगा और टोकन को रिलीज कर देगा। इफ यस इट रिसीव इट एंड पासिस द एम्प्टी टू इनटू द नेटवर्क, अगर उसका है तो उसको एम्प्टी करके वापस नेटवर्क में भेज देगा ताकि दूसरा कोई कंप्यूटर उसको एक्सेस कर ले। अदरवाइज पास टोकन अलॉन्ग विद द डेटा टू द नेक्स्ट वन। अगर यानी कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर डेटा सेंड किया विद टोकन, तो सेकंड कंप्यूटर पहले चेक करेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जिसका होगा वो कॉपी करेगा, कोई और कंप्यूटर कॉपी नहीं करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द सिग्नल रीचेज इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन, ठीक है। द नोड विद टोकन आर द वंस ओनली अलाउड टू सेंड डेटा। अगर आपके पास टोकन है देन यू कैन सेंड द डेटा, अदर नोड हैव टू वेट फॉर एन एम्प्टी टोकन टू रीच दैट। तो दिस नेटवर्क इज यूजली फाउंड इन इफेक्ट ऑफिस और स्कूल एंड स्मॉल बिल्डिंग, बट मेरी नॉलेज में अभी तक आया नहीं कि ये कहीं पे यूज होता है। आईपीएम वाले मैंने सुना है कि यूज करते हैं, नॉर्मली हम स्टार टोपोलॉजी या स्टार नेटवर्क को यूज करते हैं, ठीक है। तो सही सर, इसको यहाँ पे एंड करते हैं, जी सर, इंशाल्लाह 8 अगस्त को आप क्लास ज्वाइन करेंगे, जी सर, इंशाल्लाह, 8 को 9 को आप क्लास। जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।